शांति। आजकल देखिए मदर्स डे, फादर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे, मामा डे, काका डे, नाना डे तो नहीं आता है, लेकिन ये जो मेन मेन होते हैं वो बहुत सारे आते हैं। फिर एक लव डे होता है, रोज डे होता है, वो सब वाइफ को, हस्बैंड को स्पेशल फील कराने के लिए। ये सब क्यों? पहले तो हमने जन्म से तो ये सब नहीं देखे, ये तो दूसरे देशों में होते थे, विदेशों में होते थे, चूंकि सिर्फ एक हमारा ही देश है, बाकी सब विदेश है। हम भारत देश के रहने वाले हैं, हमारे भारत देश की संस्कृति और जो भी हम ये राजयोग सीखते परमात्मा के, जब हम ज्ञान में आए हैं तो हमें समझ पड़ा है कि असल में क्या है। तो फिर इसके पीछे कहानी बता दी जाती है कि सबको विशेष दिन और विशेष महसूस कराने के लिए होता है। तो जब हम विशेष तब महसूस कराते हैं ना, जब हम उनके लिए कभी भी विशेष ना हो, या वो हमारे लिए जीवन में विशेषता ना रखते हो, तब हमारे लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस कम हो। तो यह सब शुरुआत तभी हुई जब छोटे छोटे परिवार और छोटे बन गए, माइक्रो में आ गए। पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, एक आंगन में बैठ करके सब खाया करते थे, एक दूसरे को हर पल हर क्षण एक विशेष होता था। और कोई किसी से ना तो स्थूल में शारीरिक तौर पर दूर हुआ करते थे और ना ही मन से दूर होते थे। और जो कोई किसी वजह से दूर होता था तो वो मन से दूर नहीं होते थे। तो ये सब जो था, कोई विशेष दिन किसी के लिए फील करवाने जैसे होता ही नहीं था। चूंकि अब दूरियां मन से भी इतनी अधिक हो गई हैं, और यूं तो हो ही गई हैं कि समय पड़ने पर ही हम किसी को याद करते हैं, और अब तो और एक बहुत बड़ी वो हो गई है विडंबना कि जब तक किसी के साथ में कुछ घटना ना घटित हो जाए तब तक उसके बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं, अच्छा बोलता नहीं, और उसके बाद भी कहते हैं कि चलो इसके साथ वही हुआ जो इसने हमारे साथ किया, चलो इसको पनिशमेंट मिल गया, ऐसे हम ख्याल रखते हैं। तो ये जो विशेष दिन, विशेष समय, विशेष सामने वाले को फील कराने के लिए जो ये सब चल रहा है, तो ये तो तभी होता है ना जब उसके साथ में आपकी दूरियां हो, या आप उसके जीवन में इम्पोर्टेंस कम रखते हैं, या वो आपके जीवन में इम्पोर्टेंस कम रखता है। तो मेरा ये है कि ये सब जो भी है, देखिए प्यार आप चाहे एक माँ से करें, एक पिता से करें, एक भाई से करें, एक बच्चे से करें, या एक पति से करें, या जो भी प्यार है, प्यार शब्द ऐसा है जो केयर है, और प्यार फीलिंग्स है, भावनाओं की कद्र करना है, भावनाओं को रिस्पेक्ट देना है एक दूसरे का, बिना किसी शर्त के, बिना किसी कुछ मांग के आप जब किसी की केयर करते हैं, किसी का ख्याल रखते हैं, तो वो होता है लव। लेकिन आजकल ये भी देखो उपहारों में बट गया है, और ये अट्रैक्शन बॉडी का हो गया है, तो लव को इतना ज्यादा मतलब बदनाम कर दिया है कि इसे, इस शब्द से फिर गलत ही मायने निकलते हैं। जबकि आप यदि एक माँ से प्यार करते हैं, वो भी एक प्यार है, और प्यार को पवित्रता का नाम दिया था, जो एक परमात्मा से हम प्यार करते हैं, एक माता पिता से जो हम प्यार करते हैं, एक हम बच्चे से प्यार करते हैं, वो एक प्योरिटी को शो करता है। एक भाई बहन का आपस में जो प्यार होता है वो प्योरिटी है, उसमें कोई किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता था। चूंकि अब आज एक पिता और एक बच्चे के साथ में, या एक माता और एक बच्चे के साथ में है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से का स्वार्थ जरूर है। चाहे आज एक पिता भी यदि बच्चे से करता है, तो उसको लगता है कि एक जीवन आएगा, ऐसा समय आएगा, ऐसी उम्र आएगी, ऐसा पड़ाव आएगा हमारे जीवन का, जब हमें उनके लिए जो हमने किया है तो वो हमें भी देंगे, हमारे लिए उस समय करेंगे। और कई कई फिर बहुत होते हैं जो ये समझते हैं कि ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें अपना कर्तव्य करना है, फिर आगे चल करके वो हमें कुछ दे या ना दे, या कुछ हमारे लिए करे ना करे, वो भी हमारे ही कर्म है। तो इस तरह से भी बहुत सारी महान आत्माएं होती हैं जो इस तरह से अपना सोच रखती हैं। एक बेटा अपने पिता से लव करता है तो वो भी उससे यही चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी मिले, उसके साथ में रहेंगे तो उसका हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आजकल आज यदि पत्नी भी एक प्रेम करती है पति से, तो उसे भी लगता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उपहार 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 आज सबसे समझती है, व्रत व्यवहार करती है। लेकिन क्या पता उनके मन में प्यार है, या फिर सिर्फ साज सज्जा है, या फिर किसी और के प्रति भावना है। तो ये सब जो इस तरह से आजकल एक विशेष दिन, खास दिन जो मनाया जाता है, तो
हमें हर पल हर क्षण आपको दिखावे की जरूरत नहीं है, आपको किसी के लिए भी। यदि हम जब ये समझ लेते हैं कि हमें ये पता चल जाता है कि हम एक परमपिता परमात्मा की संतान है और आपस में हम सब भाई भाई हैं, आत्मा है, तो वैसे भी जब हमारा आत्मिक स्नेह चाहे A to Z XYZ किसी के साथ में भी होगा तो आपको उसके प्रति मन में किसी तरह की नफरत होगी नहीं। कभी वो आपके लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसके लिए एक विशेष दिन मुकर्रर करें कि आज तुम्हारे लिए ये दिन है, क्योंकि वो तो सदा आपके मन में है। कितना भी कदमों की दूरियां हो, कितनी भी जगह की दूरियां हो, लेकिन आप उसके लिए मन से तो दूर नहीं है, वो आपके लिए वो और हमारे लिए वो नहीं है। तो इसी तरह से कभी भी हम सोचते ही नहीं, तो हमारे लिए तो हर पल हर क्षण एक माँ से भोर होती है ना, कहते हैं ना ये माँ से भोर होती है या सुबह से माँ जागती है, समझ में ही नहीं आता है। मैंने तो हमेशा माँ को जागते ही देखा है, जब मैं उठी हूँ तो माँ जागते ही मिली, रात में सोने से पहले ही माँ जागते ही दिखी, क्योंकि वो काम में रहती हैं तो हमेशा जगती हुई दिखी। एक पिता तो हमेशा हमारे लिए ही करते दिखे, कभी भी खुद के लिए नहीं किया, कभी खुद के लिए लेकर के सामान नहीं आते, हमारे लिए ही लेकर के आते हैं। एक पिता हमेशा हमारी हर फल मिट्टी के कच्चे बर्तन ला करके या मिट्टी की कार बना करके हमारी इच्छाओं को पूरी करते थे, और लेकिन जो इच्छाएं असल में संपूर्णता पूरी होती थी वो तो एक पिता के द्वारा ही हुई है, बाकी अब तो सिर्फ आवश्यकताओं की पूरी होती है। हमारे मन की इच्छाएं तो कभी पूरी ही नहीं होती। भला उस समय हमारे पिता 10 रुपए दिन कमाते थे और आज हम 10,000 रुपए दिन भी कमा रहे हैं, फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो ये जो दूरियां हैं, ये जो विशेष दिन हैं, ये जो विशेष त्योहार के तौर पर इन्हें इकट्ठा किया गया है, मेरा मानना है कि यदि हम मन से उनको प्यार दें, उनके सम्मान दें, उनकी भावनाओं की कदर करें, आप चाहे कितनी भी दूर हैं, तो वो अपने आप हमारा और उनका संबंध में मिठास बनी रहेगी, और हमेशा उनके प्रति अगर हमारे मन में इज्जत है, मान सम्मान है, तो उनके मन में भी हमारे प्रति वही भावना आएगी जो आपको उनके प्रति आती है। तो यही मान सम्मान हमें हर रोज रखना है, मन से रखना है। यूं तो फिर देखिए दुनिया में शो के लिए कितना कुछ हो गया है ना, ना जाने कैसे कैसे तीज त्योहार मनाने लगे हैं, वो सब तो सिर्फ आजकल दिखावा हो गया, और दुनिया को देख देख करके हम और कहां से कहां पहुंच गए हैं, जबकि हमारे भारत देश की संस्कृति तो ऐसे सब कुछ नहीं थी। अच्छा, ये यूं ही टॉपिक है, कोई वो नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी चीजों को हमने जो संजो करके नहीं रखा है, छोटी छोटी बातों को हम भूल गए हैं, हमने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, हमने उन्हें सालों साल मान सम्मान नहीं दिया और एक दिन मान सम्मान दे दिया, तो उनको वो खुशी थोड़ी मिलती है। आप भल दिखावे के लिए खुश हो जाएं या वो खुश हो जाएं या आपके सिर पर वो हाथ रख भी दे, लेकिन आप चूंकि आपके मन में कुछ और ही चल रहा है उनकी प्रॉपर्टी को लेकर या उनके जो भी व्यवहार को लेकर के, तो उससे थोड़ी ना आप सफल हो जाएंगे या उससे थोड़ी आपको असली आशीर्वाद मिल जाएगी। असली आशीर्वाद तो अंदर से निकलती है ना, ऊपर से तो नहीं निकलती, ऊपर से तो नहीं दिखती आशीर्वाद, दुआ, ये सब तो आपको तब साथ देता है ना जब कोई धन आपके साथ नहीं रहता। स्थूल धन से जब आप सफल नहीं कर पाते खुद के जीवन को या खुद के कार्यों को, तब ये दुआएं काम आती हैं। जब आप बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसे हो, फिर चाहे वो दुआ एक पिता की हो, एक माँ की हो, एक भाई की हो, एक बहन की हो, एक पड़ोसी की हो, एक अननोन पर्सन की हो, या किसी की भी, दुआ में वो ताकत होती है जो ताकत किसी भी तरीके की धन में नहीं होती है, या किसी भी तरीके की आपके मर्तबे की नहीं होती है। दुआ में वो असर होता है जो आपकी रेपुटेशन नहीं, बल्कि आपके अंतर मन की भावनाओं की, और आपके अंदर में जो शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पों के विचारों की जो दुआएं हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो दुआ रूपी धन किसी भी मर्तबे से, किसी भी स्टेटस से, किसी भी इंसान की दिखावे से या धन पैसे का मालिक होने से, वो दुआ से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो अपने मन में हर किसी के प्रति हर रोज उसे विशेष रखें मन में, है ना, उसके प्रति मान सम्मान रखें, माँ बाप भाई बहन बंधु सखा सबके लिए, अपनों के लिए, है ना, चाहे फिर आप उसे जाने चलना जाने। अच्छा,